Physical environment of the ECE classroom. Uh, dear students मुझे आपसे uh, early childhood education के जो classroom environment है उसके बारे में बात करनी है. So physical environment of early childhood education classroom. ये क्या है और किस तरह ये important है learning के हवाले से students की learning के हवाले से. जैसे आप इस picture में भी देख रहे हैं. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन फैसिलिटेटिंग चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट तो बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट के हवाले से ये जो फ़िज़िकल इन्वायरमेंट है ये बहुत ही गहरा रोल है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इट प्रोवाइड चिल्ड्रन विद अ सेफ़ एंड कम्फर्टेबल स्पेस तो सेफ और कम्फर्टेबल स्पेस फ्राहम करता है किस लिए फ्राहम करता है एक्सप्लोर करने के लिए लर्न करने के लिए एंड इंटरेक्ट विद पियर्स एंड एजुकेटर्स तो एजुकेटर्स के साथ और पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए तो जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि बच्चे ग्रुप्स में खुद भी काम कर रहे हैं और टीचर के साथ भी टीचर वन बाई वन जाके वहाँ जाके उनकी टेबल्स पे जा जाके उनके साथ इंटरेक्ट कर रही है स्पेस प्लानिंग अब इसमें टीचर को बड़ा टैक्टफुल होना चाहिए बड़ा उसको बड़ी महारत होनी चाहिए तो स्पेस प्लानिंग कैसे करनी है द फिज़िकल इन्वायरमेंट ऑफ द ए सी क्लास रूम शुड बी डिज़ाइंड इन अ वे दैट ऑप्टीमाइज आप ऑप्टीमाइज स्पेस यूटिलाइजेशन आप क्लासरूम का जो स्पेस है उसको इस तरह यूज़ करें कि वो मैक्सिमम आप स्पेस का इस्तेमाल करें और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों के, के लिए कोई मतलब है उस, उनकी ट्रैफिक में या उनके आने जाने में या उनकी एक्टिविटीज़ में सो वाइल इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रेन तो बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से और इसमें बच्चों को बाकायदा प्रैक्टिस करानी चाहिए और एक्टिविटीज़ करानी चाहिए द फर्नीचर एंड एकमेंट शुड बी अप्रोप्रिएटली साइज फर्नीचर का जो साइज़ है वो बहुत मुनासिब हो और वो फ्लैक्सीबल होना चाहिए उसकी आप शेप्स को चेंज कर सकें अरेंज टू प्रोवाइड एम्पल स्पेस फॉर चिल्ड्रन टू मूव अराउंड तो उसके इर्द गिर्द, -गिर्द या, या रूम में मुख्त जगह पर आप स्पेस उसको मूव करने के लिए वो स्पेस फ्राहम करें और बच्चों को इंगेज करें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से जैसे ये स्पेस भी आपको एक क्लास रूम में नज़र आ रही है जैसे ये ब्यूटी लाइज इन इंसमिट्री वाली बात है तरतीब चमन है दलील हुसन वरना सहरा में क्या बहार नहीं अब ये देखें मुखलिफ क्लास रूम ले आउट्स हैं यानी क्लास रूम सीटिंग अरेंजमेंट के ये मुख्तफ डिज़ाइन हैं जो आपके सामने इसमें या एक क्लास रूम का जो डिज़ाइन है इसमें द ले आउट ऑफ ए सी क्लास रूम शुड बी प्लान केयरफुली केयरफुली आप उसको प्लान करेंगे कीपिंग इन माइंड इन द डिफरेंट लर्निंग एरियाज़ ऑफ़ एक्टिविटीज़ तो क्लास रूम के में मुखलिफ लर्निंग एरियाज़ और एक्टिविटीज़ के लिए आप मुखलिफ कॉर्नर्स आप बनाएंगे और रखेंगे तो क्लास रूम शुड भी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट लर्निंग जोनस डिफरेंट लर्निंग जोनस में आप उसको तकसीम करेंगे सच एज रीडिंग कॉर्नर ब्लॉक कॉर्नर आर्ट एंड क्राफ्ट एरिया एंड सेंसरी प्ले एरिया ठीक है और दिस अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड लर्न इन स्ट्रक्चर्ड एन्वायरमेंट तो एक कंट्रोल या स्ट्रक्चर्ड एन्वायरमेंट में वो बच्चे सीखते हैं ये देखें आपके सामने इसमें डिफरेंट अंदाज से आपको बनाया गया है डिफरेंट उसके चीज़ें बनाई हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए अलग बनाया है बुलेटिन बोर्ड हैं फिर बच्चों को किस तरह एक्टिविटीज़ करने के लिए उनके डिफरेंट स्टेशन्स बनाए गए हैं कंप्यूटर्स रखे गए हैं साइड पे टीचर डेस्क है और डोर ऑफ लर्निंग और स्टेज है तो मतलब ये डिफरेंट आपने एक बड़ा सिस्टमेटिकली और मुख्तु तरीक़ों से आपने उसको अरेंज करना है और उसको बदलते रहना चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट को इससे बच्चों की इंटरेस्ट डिवेलप होती है लाइटिंग एंड वेंटिलेशन ये भी बहुत बड़ा यानी क्लास रूम इन्वायरमेंट का ये बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है कि द अर्ली चाइल्ड हु क्लास शुड हैव सफिशेंट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट तो लाइट होनी चाहिए और जो नेचुरल भी हो और आर्टिफिशियल भी हो प्रोवाइडिंग अ ब्राइट एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ब्राइट और स्टिमुलेटिंग उसमें मुख्तुपेंट्स की ये हों कलर्स हों ये देखें आपके एक पिक्चर में आपको क्लास रूम का एक नज़र आ रहा है कैसे उसकी आउटर इन्वायरमेंट क्या है क्लास रूम के अंदर कैसा इन्वायरमेंट है फ्लोर का कलर कैसा है टेबल्स पे जो वॉल चार्टस लगे हैं या किस तरह भी वो बने हुए हैं सारा द क्लास रूम शूड आल्सो है प्रॉपर वेंटिलेशन टू इंश्योर आ हेल्थी एंड हाइजीनिकनि क्लास रूम में सफोकेशन नहीं होनी चाहिए हर मौसम के लिहाज से आपको हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम होना चाहिए हेल्दी और हाइजीनिक हाइजीनिकटमॉसफियर हो सो क्लास रूम मटीरियल्स एंड रिसोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो फिज़िकल इन्वामेंट है के हवाले से क्ला अर्ली चाइल्डहुड में तो इस इसी क्लास रूम शुड बी एकवप्ड एंड एज अप्रोप्रिएट तो बच्चों की एज के लिहाज से इनको होना चाहिए इसमें चीज़ें मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए और जो बच्चों को स्टिमुलेट करे मेटी स्टिमुलेटिंग मटेरियल्स एंड रिसोर्स दैट फैसिलिटेट चाइल्ड्स लर्निंग बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट करें और उनकी डेवलपमेंट को और मटीरियल शुड ऑर्गनाइज एंड डिस्प्लेड इन एन अट्रैक्टिव वे और नॉवल वे और उसको आप चेंज करते रहें एक ही जगह पर फिक्स ना रहे एंड एक्सेसिबल मैनर टू इनक्रेज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर लर्निंग अच्छा आप जो चीज़ें हैं क्लास की वो बच्चों के लिए एक्सेबल हों और वो उनको यूज़ uh, कर सकें और उनको आप मैनर्स सिखाएँ जापान में बच्चों को सबसे पहले दो घंटे के लिए उनको स्कूल की जो एक्टिविटीज़ यानी स्कूल की सफाई है और उनको मैनर्स सिखाए जाते हैं उसके बाद उनकी क्लास का सिलसिला शुरू किया जाता है तो अब सेफ़्टी मयर्स द फिज़िकल इन्वायरमेंट ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड क्लास रूम में शुड बी डिज़ाइन अ वे दैट एनश्योर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन मैंने वहाँ एक स्कूल विजिट किया वहाँ बाकायदा उन्होंने जो फायर ब्रिगेड ला के उन्होंने एक छोटी सी वैन में बनाया हुआ था तो स्कूल में तीन चार पाँच छः दिन उन्होंने वो प्रोजेक्ट चलाया आर्टिफिशियल और जिसमें वो सिखाया बच्चों को कैसे आग से बचना है कैसे करंट से बचना है किस तरह करके तो बच्चों की सेफ्टी और वेलबियम का ख्याल रखे हादसा से कैसे बचना है तो सेफ्टी मै सच है सेफ्टी लॉक्स से हैं सेफ्टी गेट्स हैं एंड फायर एक्टिंग हैं शुड बी इंस्टाल इन क्लास रूम क्लास रूम में होने चाहिए ये फर्नीचर एकमेंट जो ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को ज़ख्मी ना करे उसमें रिस्क रिस्क कम हो